नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल टाइम चक्र पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे देश के कुछ ऐसी कानूनी हकीकतों के बारे में, जिनकी जानकारी हमारे पास शायद नहीं होने के कारण हम अपने कानूनी अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। यानी कि हमें उस अधिकार के बारे में पता नहीं रहता है, जिसके वजह से हम अपने अधिकारों को खो बैठते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने पांच ऐसे कानूनी अधिकारों के बारे में बताऊंगा जो आपके जीवन में कभी न कभी जरूर काम आएगी। इसके लिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। तो चलिए एक एक करके उन पाँच कानूनी अधिकारों के बारे में जान लेते हैं हमारे लिस्ट का पहला कानूनी अधिकार क्या कहता है। अगर किसी वजह से आपके घरों का सिलेंडर फट जाता है और आपको भारी जान माल का नुकसान होता है, तो आप 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कर सकते हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी के तहत अगर किसी कारणवश आपके घर में सिलेंडर फट जाता है और आपके जान माल का भारी नुकसान होता है, तो आप तुरंत गैस कंपनी से बीमा कवर का क्लेम कर सकते हैं। आपको बता दें कि गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक का बीमा कवर क्लेम कराया जा सकता है। अगर कंपनी आपका क्लेम देने से मना करती है या फिर टालती है, तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर इस मामले में गैस कंपनी दोषी पाई जाती है तो कंपनी का लाइसेंस रद्द हो सकता है। चलिए हम जान लेते हैं हमारे अगले अधिकार के बारे में। यह अधिकार है महिलाओं को लेकर। शाम के वक्त महिलाओं की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 46 के तहत शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे के पहले भारतीय पुलिस किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, चाहे उस महिला का गुनाह कितना भी संगीन क्यों न हो। अगर पुलिस ऐसे करती हुई पाई जाती है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की जा सकती है, और इससे उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, जिसके वजह से उसकी नौकरी खतरे में आ सकती है। तीसरे अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। आप किसी भी होटल में जाकर वहाँ पे आप फ्री में पानी पी सकते हैं और वहाँ का वॉशरूम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इंडियन सीरीज एक्ट 1887 के अनुसार आप देश के किसी भी होटल में जाकर पानी मांगकर पी सकते हैं और उस होटल का वॉशरूम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो होटल छोटा हो चाहे वो होटल 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको वहां पे नहीं रोका जाएगा। अगर होटल का मालिक या कोई कर्मचारी आपको पानी पिलाने से या फिर वॉशरूम का इस्तेमाल करने से रोकता है, तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपकी शिकायत दर्ज होते ही उस होटल के ऊपर कानूनी कार्रवाई पूरा होने के बाद उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। चलिए हमारे अगले अधिकार के बारे में हम बात कर लेते हैं। गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के मुताबिक गर्भवती महिलाओं को अचानक नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। अगर कोई मालिक ऐसा करता है तो उस मालिक को पहले 3 महीने की नोटिस देनी होती है और प्रेगनेंसी के दौरान लगने वाले खर्चों का कुछ हिस्सा भी उस औरत को देना होता है। अगर कोई मालिक ऐसा नहीं करता है और वह गर्भवती महिला को बिना नोटिस दिए हुए वह उसे नौकरी से बाहर निकाल देता है, तो वह महिला उस मालिक के खिलाफ सरकारी रोजगार संगठन में शिकायत कर सकती है। इस शिकायत के बाद वह कंपनी बंद हो सकती है या फिर मालिक को भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ता है। हमारे लिस्ट का अंतिम कानूनी अधिकार क्या है, चलिए जान लेते हैं कि कोई भी पुलिस अफसर आपकी शिकायत लिखने से मना नहीं कर सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इंडियन पैनल कोड यानी कि IPC के सेक्शन 166A के अनुसार कोई भी पुलिस अधिकारी आपकी कोई भी शिकायत दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता है। अगर कोई पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत दर्ज नहीं करता है, तो आप उसके खिलाफ किसी उच्च अधिकारी के पुलिस दफ्तर में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वह पुलिस अधिकारी दोषी पाया जाता है तो उसे कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक की जेल हो सकती है या फिर उसे अपनी नौकरी से हाथ गंवाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह सारी कानूनी अधिकार समझ में आ गया होगा। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हम सभी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत का हर एक नागरिक इस सामान्य से अधिकार को अच्छी तरीके से जान पाए।